हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी प्रयास ई पाठशाला। मेरा नाम करुणा है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेली करंट न्यूज। आज के न्यूज में द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मैथिली ठाकुर को एज अ स्टेट आइकॉन, बिहार का स्टेट आइकॉन अपॉइंट किया हुआ है। इसके अलावा अगर मैथिली ठाकुर के थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जाने तो मैथिली ठाकुर एक फोक सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है। इनका जन्म मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ है और ये एक इनको जो ट्रेनिंग जो मिला हुआ है उनके ग्रैंडफादर और फादर से मिला हुआ है। इसके अलावा अगर हम उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो उन्हें 2021 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अब बात करते हैं इनको एक बिहार चुनाव में एक स्टेट आइकॉन ये खुद को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये एक अवेयरनेस फैला रही है, एक जागरूकता फैला रही है कि वोटिंग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वोट करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें पार्टिसिपेट करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से ये अपने बिहार के फोक जो म्यूजिक है उसको स्प्रेड कर रही हैं और लोगों को इंस्पायर कर रही हैं कि वोटिंग करो, वोटिंग में पार्टिसिपेट करो, वोटिंग करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक कॉन्टिनेंट में ये चीज ये कर रही है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा स्टैटिक पार्ट पे जाएं बिहार के, तो बिहार का जो कैपिटल है वो पटना है। बिहार के गवर्नर जो हैं वो फागू चौहान हैं। बिहार के सीएम चीफ मिनिस्टर जो हैं वो नीतीश कुमार हैं। और बिहार में जो नेशनल पार्क है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क, सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है बिहार में। और अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो बिहार में टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वहां का फेमस फोक डांस जो है वो झिझिया है। Thank you for watching.